जेल को कोविड सेंटर बनाने का विरोध कर रहे थे। विरोध में जेल में कैदी भूख हड़ताल पर गए हैं और कैदियों ने वीडियो बनाकर इसको वायरल भी किया है। जेल प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाया है। आखिर जेल में कैदियों के पास कहां से आया मोबाइल, ये एक बड़ा सवाल जरूर बन रहा है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाड़मेर से ये खबर आ रही है। जेल में कोरोना विस्फोट के बाद कैदियों का हंगामा देखा गया है। जेल को कोविड सेंटर बनाने का ये विरोध कर रहे थे। अब विरोध में जेल में कैदी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। और आइए इसी तरह करें, भूपेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। भूपेश, ये कैदियों की जो भूख हड़ताल है ये कितने दिन और चलेगी और क्या कुछ कह रहे हैं ये कैदी? जी बिल्कुल, इनका पूरी तरीके से कहना है कि जिस तरीके से सारा कोरोना का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। प्रॉपर तरीके से जो इनकी डाइट होनी चाहिए और बाकी सारी तमाम जो सुविधा कोरोना के पेशेंट को मिलनी चाहिए वो सभी मिलना चाहिए। इनका साफ तौर पर आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा इनके साथ ज्यादती की जा रही है, ना ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना के हिसाब से रखा जा रहा है, ना किसी और चीजों के हिसाब से रखा जा रहा है। ऐसे में तमाम बातों को लेकर इनका कहना है कि यहाँ हमारी जो देख रेख है वो सही तरीके से नहीं हो सकती, हमें एक प्रॉपर डॉक्टर या फिर ऐसा कोई कोविड सेंटर जो हमारे लिए बनाया जाए वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में जेल प्रशासन और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। अगर इस बात को यूं कहा जाए कि पूरा का पूरा जेल कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितने लोग हैं उनसे लगभग 100 इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं, कई जेल में जो कैदी हैं, कई पुलिस वाले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर ऐसी सामने आ रही है जिसने चौंकाकर रख दिया है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, मास्क किसी ने नहीं लगाए हैं और इसे कोविड सेंटर बनाने का ये विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस महकमे में क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है, क्या किसी बड़े अधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कोई टिप्पणी की है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पर? बिल्कुल, ये अभी देर रात की कुछ ही देर पहले की घटना है। इसको लेकर अभी तक अधिकारियों से, क्योंकि रात तक हमें उन्हें कार्ड नहीं हो पाई बात, लेकिन सुबह इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये बाड़मेर की जेल है इसकी जो क्षमता है वो लगभग 100 कैदियों के करीब की क्षमता है, इसके बावजूद भी यहाँ पे 170 कैदी हैं, उनमें से 126 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों को रखने में और इनकी सोशल डिस्टेंसिंग और जो इन तमाम चीजों का जो एक कोरोना की गाइडलाइन है जिसमें उनका डाइट प्लान से लेकर डॉक्टर का चेकअप तमाम चीजों को लेकर जो की यहाँ नहीं हो पा रहा, इन कैदियों को यही कहना है कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें कहीं एक जो चिकित्सा सुविधा जो कोविड के लिए बनाई गई स्पेशल गाइडलाइन के तहत वो तमाम सुविधाएं हमें मिले ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और चीजें सामान्य स्थिति में हो। इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल करी है और सुबह जब दिन उगेगा उसके बाद अब सवाल ये भी है कि इसका बाकायदा वीडियो बनाया गया है, ये तस्वीरें जो है मोबाइल से कैद की गई हैं और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर भी डाला गया, यानी कि मोबाइल लिए हुए भी सक्रिय वहां पर कैदी हैं, ये भी सवाल बन रहा है। बहरहाल